वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम निखिल फ्रॉम कैरियर किक सर्विसेज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस कॉलेज। बहुत सारे बच्चों की डाउट व क्वेरी रही है अभी तक, जो अभी जैसे कि रिजल्ट आया हो, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, तो बच्चे अपने परसेंटाइल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर मेरा इतना परसेंटाइल है, मेरी रैंक कितनी आएगी, अगर मुझे रैंक पता चल जाए तो मैं अपना कॉलेज एक बार थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लूँ। ये बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि मतलब मेरा सर 97% है, हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कि कौन सी ब्रांच मिलेगी, इन सारी चीज़ों को लेकर बच्चों के मन में क्वेश्चन है। तो बेटा 2019 के पहले हमारे जो रॉ स्कोर आया करता था, जिसमें कि मार्क्स मिलते थे और मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ्स आती थी और उसके हिसाब से हमको रैंक डिसाइड की जाती थी। लेकिन 2019 से पैटर्न चेंज हो गया है लास्ट ईयर से, जैसे कि अब परसेंटाइल सिस्टम आ गया है, अब हमको मार्क्स से मतलब नहीं होता, यहाँ तक कि इनफैक्ट यहाँ तक कि जो कट ऑफ्स भी आती हैं वो भी परसेंटाइल के फॉर्म में आती है। मतलब अब जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, सारा परसेंटाइल पैटर्न पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो रॉ स्कोरिंग होती है उससे हमारा परसेंटाइल बनता है। इस पर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है कि परसेंटाइल किन किन चीज़ों पर मैटर करता है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिलहाल अगर जो बच्चे अपने मार्क्स जानना चाह रहे हैं तो उन बच्चों से मैं यही कहूँगा, बेटा हमको मार्क्स पे नहीं अपने परसेंटाइल पे फोकस करना है। एटलीस्ट अगर हमको समझना है, अगर बात कीजिए अगर मेरा 90% है या 87% है, तो परसेंटाइल से हमारी रैंक कितनी होगी, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेशंस कट ऑफ्स हैं। मतलब कि लास्ट ईयर जिस हिसाब से परसेंटाइल के हिसाब से रैंक गई हुई थी, या कह सकते हो परसेंटाइल के हिसाब से रैंक और रैंक के हिसाब से हमको कॉलेज कौन सा मिला था, तो हम प्रॉपर आपको एक थोड़ा सा सोल्यूशन बता सकते हैं अपने एक सेटिस्फैक्शन के लिए स्टूडेंट्स के लिए, कि आप किस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को जज कर सकते हो कि आप किस लेवल के क्राइटेरिया में लाई कर रहे हो, आप सेफ जोन में हो या आपको कुछ मतलब आपको डिप्रेस हो रहे हो, तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा एकदम रिमूव करना है। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर अगर हम परसेंटाइल पे अगर स्टार्टिंग से बात कीजिए, अगर हम 100% पे बात करते हैं, तो 9 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे थे जिनका 100% आया हुआ है, जो कि हमारे टॉपर्स रहे हैं। अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि सर 99 अगर हमारे परसेंटाइल होगा तो रैंक कितने तक जाएगी, तो बेटा मेरा जो एक्सपेक्टेशंस आइडिया है 8000 तक आपकी रैंक जा सकती है। अगर बात की जाए सर मेरा 99 से 98 के बीच में है, अगर एग्जैक्टली अगर 98 तक अगर हम बात करें तो हमारी जो हमारी एक्सपेक्टेड रैंक जा सकती है 20 से 22,000 तक हमारी एक्सपेक्टेड रैंक जा सकती है। अगर 97% पे बात करें तो यहाँ पे हमारी 32 से 35,000 तक हमारी रैंक जा सकती है। ये मैं लास्ट ईयर के भी यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ, कुछ जो अभी मुझे इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न या कुछ टफनेस समझ में आई है, जो कुछ चीज़ें हमको समझ में आ रही कट ऑफ्स को लेके, मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। ये कोई एग्जैक्टली रैंक का नहीं, थोड़ी सी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ देम। इसी तरीके से अगर आफ्टर दैट अगर इसके बाद एवरेज बात कीजिए, तो एवरी परसेंटाइल हैविंग 10 to 12,000 रैंक, मतलब 1% जैसे हमारा डिक्रीज होगा उसी हिसाब से हमारी 10 से 12,000 रैंक हमारी इंप्रूव कर जाती है। ये हम लोग एवरेज समझ लेते हैं, इसी हिसाब से एक पूरा चार्ट आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, आप उसको पोज करके आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर ये अगर आपको एक्सपेक्टेड रैंक इस तरीके से पता चल जाती है, उसके बाद आप कॉलेज को लेके बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए, तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है बच्चों। तो एप्लीकेशन का लिंक करियर किक सर्विसेज के एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पर जाके, तो आप उसको इंस्टॉल करिए। उस पर प्रॉपर सारी चीज़ें दे रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। अगर थोड़ा सा परसेंटाइल वर्सेस रैंक की तो बात हमने कर ली, अगर रैंक वर्सेस अगर कॉलेज की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उस पर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो सीरीज। अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए, अगर आपकी रैंक एक्सपेक्टेड 40,000 आ रही है तो 40,000 जो आपकी रैंक है वो मैटर करेगी। आफ्टर दैट आपकी कैटेगरी कौन सी है, आफ्टर दैट आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आफ्टर दैट आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं। तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, उसमें सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड आपको कॉलेज आपको शो कर देगा। रैंक अपनी एंटर करिए, ब्रांच सेलेक्ट करिए, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए, अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। आफ्टर दैट आपको होम स्टेट अदर स्टेट का भी एक कोटा लगता है, जिसके बिहाफ पे पूरी प्रॉपर प्रेडिक्शन करके हमारा एक्सपेक्टेड जो एप्लीकेशन है वो एक तरीके का एक्सपेक्टेड आपको कॉलेज बता सकता है, उस कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। फिलहाल अभी जो आपकी सिचुएशन, आप किस लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो बच्चों यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट व क्वेरी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम लोग ऑलरेडी वीडियोज लाते रहते हैं ताकि इस पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स प्रॉपर मिलते रहें।
बिकॉज अभी हम आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। जय जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है, एक क्रैश कोर्स चल रहा है जय गुरु मंत्र चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो आप उसको जाके वॉच करिए ताकि आप जय अप्रैल में और अच्छे से परफॉर्म कर सकें।